नमस्कार, मैं आयुषी। बॉर्डर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमिताभ बच्चन जल टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति से वापसी करने जा रहे हैं। जी हां, बिग बी इस बार शो का 10वां सीजन होस्ट करेंगे। खबरें हैं कि इस रियलिटी शो की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जून 2018 के पहले वीक से शुरू हो जाएगी। सोर्सेज के मुताबिक इस बार अमिताभ के शो में फीस भी बढ़ाई गई है। तो पिछले सीजन की तुलना में इस बार ज्यादा फीस लेंगे। इस बार वे हर एपिसोड के 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज करेंगे। हर माता पिता के सामने यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो घर का माहौल कैसा हो, क्या चीजें घर में प्रमुख रूप से हों और क्या नहीं। इस बार में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी सोचना शुरू कर दिया है। बुधवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने वाइफ अनुष्का शर्मा और खुद के पिता बनने के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि उन्हें मेरा पूरा टाइम मिल सके। 2019 में अगर विपक्षी एकता संभव हुई तो इसका असर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यूपी से भी बीजेपी के 71 सांसद हैं। अगर विपक्षी एकता हुई तो यह आंकड़ा 46 रहेगा। बीजेपी इसके बाद भी अभी के गणितीय आंकड़ों के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि आंकड़ों के साथ विपक्षी एकता के लिए बड़े मुद्दे भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा के पास सीज फायर का उल्लंघन किया है। बिना किसी उकसावे के पाक की तरफ से भारी फायरिंग की जा रही है। बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारी गोलीबारी की, तो वहीं भारतीय जवानों ने पाक की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए बॉर्डर इंडिया के साथ।